हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, चेन्नई ब्रिज पर किस ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है और वह कितनी स्पीड से किया गया है, साथ ही हम जानेंगे इस ब्रिज को बनाने में कितनी लागत काम में आई, साथ ही इस ब्रिज का काम कब शुरू किया गया था और ये कब बनकर तैयार हुआ, यही डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई ब्रिज की ऊँचाई की। चेन्नई पुल की ऊँचाई नदी तल से 359 मीटर है। बात करें यहाँ पर लंबाई की, चेन्नई पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें से 530 मीटर वायाड यानी जमीन के ऊपर और शेष भाग 785 मीटर चेन्नई वैली पर बना है। अब बात करते हैं गाइस, ये ब्रिज कितने दिनों तक चल सकता है, यानी कितनी इसकी डेट है चलने की। तो चेन्नई पुल को 120 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पुल एक सदी से भी अधिक समय तक आसानी से चल सकता है। काम की बात करें तो नवंबर 2017 में मुख्य मेहराब के निर्माण की शुरुआत की गई थी और 8 अप्रैल 2021 में चेन्नई रेल पुल का मेहराब पूरा हो गया और समग्र पुल अगस्त 2022 में पूरा हो गया। अब आपका एक डाउट और मैं क्लियर कर देता हूँ कि चेन्नई ब्रिज को तैयार करने का काम कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। लागत की बात करें गाइस, तो रेलवे ने बताया कि पुल को तैयार करने में 1486 करोड़ रुपये का खर्च आया है। दुनिया के सबसे ऊंचे यानी चेन्नई नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर पहली बार मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है और उसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। तो गाइस, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, गाइस आपको कमेंट में बताना है ये ब्रिज किस राज्य में स्थित है। गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।